हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2021 का एग्जाम का टाइम आ गया है और अब आपके पास 2 डेज बचे हुए हैं। आज 4 जनवरी है, 5th और 6th के बाद अगर आप लोग इनफैक्ट पेपर 2 भी दे रहे हैं, यानी आर्किटेक्ट पेपर भी दे रहे हैं, तो 6 जनवरी से देंगे, अदरवाइज 7 to 9 जनवरी आप लोगों को जेई मेंस का एग्जाम देना है। हो सकता है आपका शिफ्ट 7th का फर्स्ट हो या सेकेंड हो, या 8th का फर्स्ट या सेकेंड हो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं लास्ट मिनट में बोलना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट मिनट या लास्ट डे में जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं मेंटली, वो कहीं ना कहीं हमारे पेपर में बहुत वर्क करती है। क्या हमें लास्ट टाइम में करना चाहिए और क्या नहीं, प्रिपरेशन आप सभी ने कर ली होगी, आई होप कि बहुत अच्छे से सारी प्रिपरेशन करी होगी। अब हम ऐसा क्या करें लास्ट 1 डे में, क्योंकि लास्ट 1 डे पढ़ने के लिए नहीं होता है, लास्ट 1 डे होता है हमारे मेंटल लेवल को सेट करने का, हमारा माइंड को सेट करने का कि हम किस ढंग से जाएं, हम पेपर में क्या थॉट लेके जाते हैं। बहुत कुछ पेपर का रिजल्ट इस पर डिपेंड करता है। सब कुछ आने के बाद भी अगर हम निगेटिव माइंड से पेपर दे रहे हैं, अगर हम कोई डर के साथ पेपर दे रहे हैं, तो कई बार सब कुछ आते हुए भी हम पेपर को बिगाड़ देते हैं। इसलिए मैं आप सबको पहले कुछ चीजें बोलना चाहूंगा, और सबसे खास बात यह बोलना चाहूंगा कि जेई एक इतना अच्छा एग्जाम है, जेई मेंस, जो कि देखिए आप किसी भी और एग्जाम में ऐसा नहीं होता, इसमें आपके पास 2 इक्वल चांसेस होते हैं। अगर आपका जनवरी पेपर में किसी भी रीजन से स्कोर कम हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पता है कि आप अप्रैल में अपने आप को वहां पर जो मिस्टेक यहां करेंगे वो दूर कर सकते हैं। आप सोचिए कि अगर आपको ये पता हो कि आपके एक बार आउट होने के बाद भी आप सेकेंड टाइम खेल सकते हैं, तो फर्स्ट टाइम खेलने में आपका डर अपने आप ही खत्म हो जाता है। आप लोगों ने जो मैसेज किए या जो लास्ट सेशन मैंने जेई के लिए थे, आप में से कई बच्चे ऐसा लिखते हैं कि सर इस बार पेपर बहुत टफ आएगा, न्यूमेरिकल हो गए इसलिए टफ आएगा, क्वेश्चन कम हो गए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब भी कभी कोई भी एग्जाम दे, नॉट ओनली फॉर जेई मेंस, जब भी हम कभी कोई भी एग्जाम, हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जैसा भी पेपर आएगा सबके लिए एक जैसा होगा और मैं अपना बेस्ट करूंगा। अगर ये माइंडसेट के साथ हम पेपर देते हैं तो हमेशा पेपर का रिजल्ट अच्छा होता है। और अगर हम ये पहले से ही मन में बना के जाते हैं कि पेपर इस बार टफ हो सकता है, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटीजर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने से हो सकता है पेपर का लेवल बहुत टफ हो जाए, ये सब जब हम मन में लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप ही प्रेशराइज अपने आप को कर लेते हैं। और देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप कोई व्हीकल चलाते हैं तो आपको भी पता है कि अगर आप बिना डर के चलाएंगे तो सबसे अच्छी चलाएंगे, और अगर आप डर के साथ चलाएंगे तो हो सकता है कि आपकी दुर्घटना हो जाए। यानी अगर आपको एक्सीडेंट से बचना है तो एक ही तरीका है कि फेयरलेस होकर काम करें। पर यह काम हम केवल बाकी जगह तो हम फेयरलेस लेते हैं, पर जब बात आती है एग्जाम की तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर होता है, उस डर को बाहर निकाल के इस बार पेपर देने चाहिए। और मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूं कि जब आप पेपर देके निकलेंगे तो आपको ये मेरा सेशन भी याद आएगा और आप बहुत अच्छा एग्जाम कर सकते हैं, बस शर्त है कि आप अपने माइंड को किस ढंग से सेट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने देखा है कि अगर कोई बॉलर नो बॉल करता है तो आपको पता है उसके बाद आपको फ्री हिट मिलती है, और उसे फ्री हिट इसलिए बोलते हैं कि उस हिट में आप जैसा चाहे शॉट लगा सकते हैं, और अगर आप आउट हो भी गए तो उसे आउट कंसीडर नहीं किया जाता। वैसे ही मैं मानता हूं कि जेई मेंस 1 जो है वो फ्री हिट एग्जाम है आपका, इसमें आप जैसा चाहे वैसा परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी आप आउट होने का आपके पास कोई भी संभावना। और जब आपको ये बात पता होती है कि आपके पास यहां खोने के लिए कुछ नहीं है, तो ये एक वर्ड आपकी शायद हो सकता है इंटायर लाइफ इंटायर पेपर के सॉल्यूशंस को चेंज कर सकता है। तो मैं यही एक बात बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले ये बात दिमाग में रखिए कि इस पेपर में खोने के लिए कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपके पास 3 सेक्शंस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, टाइम भी आपके पास इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस इस बार कम हो गए, अगर देखा जाए तो मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन कम हो गए, 20+5 यानी 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस का पैटर्न आपको पता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस नहीं होता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होते हैं, पर उसमें भी तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही अप्रोच वही आपको थॉट यहां पर भी लाना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी, कि यहां पर भी तो सॉल्व करना है, बस आपके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा ऑप्शन नहीं है तो आपसे मिस्टेक के चांस भी कम होंगे। और ऐसे ही केमिस्ट्री में, ऐसे ही मैथ्स में, अब आपका वर्क क्या होगा, नंबर सभी के इक्वल है, नंबर आपको पता है सभी के इक्वल है, 4 मार्क्स हैं। तो आपको जो वर्क करना है वो एक छोटा सा वर्क करना है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी पेपर में आपको कम आने के बाद भी अगर आपका टेक्निक आपका अप्रोच बहुत अच्छा है तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप कई बार उनसे भी ज्यादा अच्छा पेपर कर लेंगे जिनको बहुत ज्यादा आता है।
क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितना आता है, इंपॉर्टेंट ये कि जो आता है उसको हम एक्सप्लोर कर सकते कि नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है जो नहीं आता उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, पर जो आता है उसका एक्सप्लोर तो हम करें प्रॉपर, उसको तो हम सही मायने में रियलिस्टिक होकर सॉल्व कर पाए, ये एक चीज ही है जो आपको आगे लेके जाएगी। तो सबसे पहला काम मैं आपको बोलूंगा कि आपके सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होना चाहिए। देखिए केमिस्ट्री में हार्डली 30 मिनट के आसपास लगते हैं पेपर सॉल्व करने में, आप 30 से 45 मिनट तक केमिस्ट्री में दे सकते हैं, और एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से करी है तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको फिजिक्स में लगभग 60 मिनट ही देना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कई बार फिजिक्स के क्वेश्चंस में टाइम लग सकता है, और केमिस्ट्री का बचा हुआ टाइम आप अगर मैथ्स में यूज कर लें तो लगभग 1 आवर 50 मिनट में आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं। और मैं आपको एक चीज अभी से बता रहा हूं कि 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे इसमें जो आप 20 मिनट में इजीली कर लेंगे, यानी आपके पास रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस के लिए मोर देन 45 मिनट होंगे, यानी आपका अप्रोच इस बात पे डिपेंड करता है। और मैंने आपको जिस ढंग से क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बताई है, जो लॉजिक आपको सिखाया है, उसमें तो मैंने आपको ये तक बताया हुआ है कि आप चाहें तो 45 मिनट से 60 मिनट में मैथ्स कर सकते हैं, बल्कि मैथ्स का टाइम आप फिजिक्स में दे सकते हैं। बट इन जनरल बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने अपने अपने तरीके से पढ़ा होगा, तो ये एक प्रॉपर टेक्निक्स हैं जिनको आप फॉलो करें और क्वेश्चन की स्कैनिंग जरूर करें। आप क्योंकि पेपर ऑनलाइन होता है तो पूरा एक बार में नहीं दिख रहा होता है, पर स्कैनिंग के लिए हमारे पास एक की है कि हम डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उनको स्विच तो कर सकते हैं, जिस नंबर को देखना चाहे उनको स्विच कर लें। और आपके पास अच्छी बात यह होती है कि जब आप स्कैनिंग कर रहे हैं तो वहां पे आप ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट भी डिसाइड कर सकते हैं, तो आपको कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही पॉजिटिव माइंड से आपको पेपर देने की जरूरत है। तो करना केवल इतना सा काम है आपको यहां पर कि राइट क्वेश्चंस को सिलेक्शन करें जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो। यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले आप केमिस्ट्री करें या फिजिक्स करें या मैथ्स करें या मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री करें, डिपेंड ऑन कि क्या आपकी सबसे स्ट्रांग पावर है, मतलब किस सब्जेक्ट में आप सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये आपने पिछले जो टेस्ट दिए होंगे उनमें आपको पता होगा। एक बात और कहना चाहूंगा मैं आप सभी को, बहुत ही ऑनेस्टली बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब आपने मुझे, कई बच्चों ने अभी अभी जो मैसेज किए कि आपने जिन भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा था वहां पर आपके कई बार अपडाउंस हुए, पेपर में परफॉर्मेंस नहीं आई, कई क्वेश्चन नहीं बने, मैंने एक ही बात जब भी बोली थी और वही बात यहां पर बोलना चाहूंगा, हो सकता आपकी मुझसे बात ना हुई हो, कि जो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहां के पेपर्स में परफॉर्मेंस कैसे आती है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के पेपर में आप कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर लास्ट, मैंने सभी बच्चों को बोला था, लास्ट 5 ईयर 10 ईयर के आपके कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद जेईई मेंस के 80% क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस का या प्रिपरेशन का मैथड बिल्कुल राइट है। यानी अगर आपने कोई भी एक टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल बाइनोमियल थ्योरम, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, कोई भी एक टॉपिक ले, उसके आपने टॉपिक को पढ़ने के बाद जेईई मेंस के लास्ट 5 ईयर के या 10 ईयर के 80% क्वेश्चन आपने इजीली कर लिए, इसका मतलब है आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में। एक और चीज बोलना चाहूंगा, लास्ट टाइम के भी पूरे जेईई मेंस के पेपर के सॉल्यूशंस मैंने डाले थे, सेम डे सबसे पहले डाले थे। इस बार भी मैं आपको जैसे ही पेपर्स आएंगे, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं, बच्चे जब मुझे भेजते हैं, इनफैक्ट मैं आपको भी बोलूंगा कि आप भी सपोर्ट करिए। इस वीडियो के लिंक में एक टेलीफोन नंबर दिया है, उस सब लिंक के आप उस नंबर पर अगर मुझे क्वेश्चन, जैसे ही आपको पेपर मिलता है और अगर आपको कोई क्वेश्चन याद रहता है पेपर से देने के बाद, तो आप मुझे सेंड करिए। आपको देखिएगा कि आप थोड़ी देर बाद ही उसका मैं सॉल्यूशन आपको भेजूंगा, और शाम तक होते होते लगभग सभी तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मैं आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन भी दूंगा। पर जो मैंने प्रीवियस सॉल्यूशन डाले हैं, जो मैं बात बोलना चाहता हूं कि 19 के अप्रैल और जनवरी के 18 के भी, उनको आप देखेंगे तो आप एक चीज, अगर हो सकता है तो लास्ट टाइम में अगर आप चाहें तो एक दो सेशन ये जरूर देखिएगा मेरे, आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन दिखने में टफ है, अगर उसकी अप्रोच राइट हो, अगर उसका अप्रोच राइट हो, उसका सॉल्व करने का तरीका राइट हो, तो वो क्वेश्चन टफ दिखने वाला भी आप बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं। और वो मैंने सारे क्वेश्चन केवल 11th 12th के कंसेप्ट पे बेस्ड बताए थे, इसलिए आप उन सेशंस को अगर नहीं देखे हो अभी तक, देखिएगा। मैं इसका सब डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा जो 19 के पेपर्स के सॉल्यूशंस हैं या 18 के पेपर्स के या जो जितने भी ऑनलाइन पेपर्स हुए, तो आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन दिखने में टफ हो सकता है, सॉल्व करने में नहीं। और पेपर के क्वेश्चन टफ नहीं होते, सिलेबस 11th 12th का होता है, टफ हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में कहीं ये बात बिठा दी गई है। कई लोग बोल बोल के कि आईआईटी टफेस्ट एग्जाम होता है, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, आईआईटी टफेस्ट नहीं,
कंसेप्शन होता है, अगर आपने बहुत लॉजिक से बहुत ही कंसेप्ट बना के पढ़ाई की है तो आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको यहां पर यही बोलना चाहूंगा कि आप बहुत ही फोकस माइंड होकर जाइए, कहीं घबराइए मत, क्वेश्चंस का सिलेक्शन प्रॉपर करिए। आपको 10 से 15 मिनट पेपर की स्कैनिंग में लगेंगे। कई लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि उनको लगता है कि ये अगर 10 मिनट दिए तो हो सकता है मेरा टाइम खराब हो जाए, अच्छा मैं पेपर चालू कर देता हूं, देखेंगे जो होगा, या प्रॉपर स्कैनिंग नहीं करते। जबकि मैं आपको यह बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, स्कैनिंग ही आपके पेपर में हाईएस्ट अटेम्प्ट की तरफ ले जाती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर बाय चांस, और ऐसा होता ही है, किसी भी जेई का पेपर उठा लें तो आप देखेंगे कि करीब करीब 10 से 20% क्वेश्चन, यानी इस पेपर में हर सब्जेक्ट के, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, कंफ्यूजिंग हो, या जिनमें उलझ सकते हैं। अगर आपने ये अटेम्प्ट कर लिए तो हो सकता है कि आपका स्कोर कम हो जाए, इसलिए इन क्वेश्चंस को अगर टाइम बचे तो सोचना है। दूसरा, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको हिट एंड ट्रायल करने की कोशिश भी ना करें। जो चीज नहीं आती वो नहीं आती, उसको ट्राई करने में भी कई बार मिस्टेक करते हैं। कई बार हम सोचते हैं जो आता है वो हम बाद में करेंगे, जो नहीं आता एक बार देख लें, अगर बाई चांस बन गया तो ठीक है। ये भी रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि जो नहीं आता उसको देखने में अगर आपने गलत किया तो आप अपने ऊपर एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। प्रेशर पहले रिलीव करना है। फर्स्ट वन आवर की परफॉर्मेंस आपकी सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि फर्स्ट वन आवर के बाद सेकेंड आवर में आपकी परफॉर्मेंस उससे आधी होगी, थर्ड आवर में उससे भी आधी होगी, क्योंकि हम क्वेश्चंस भी कर चुके होते हैं, एक तो पहली चीज थक गए होते हैं, दूसरी बात तीसरी हम सिंपल क्वेश्चंस को कर चुके होते हैं, इसलिए ऐसा होता है, और कोई रीजन नहीं होता। तो आप इन छोटी छोटी टिप्स को अगर दिमाग में रख के करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं, आप जब निकलेंगे ना, मैं बता रहा हूं आपको कि आप हो सकता है जनवरी अटेम्प्ट सबसे अच्छा अटेम्प्ट देखें, आपको अप्रैल देने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर ऐसा हो गया तो आपको भी पता है कि आपको इसका सबसे बड़ा रिजल्ट भी आपको पता है इस महीने के एंड में आ जाएगा, तो कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर आपका जनवरी स्कोर अच्छा हुआ तो आपको अप्रैल अटेम्प्ट नहीं देना होगा और आप सीधा जेई एडवांस पे फोकस कर सकते हो। और मैं चाहता भी यही हूं, और मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड में आपको बताया कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आउट होने के बाद, किसी भी गेम आउट होने के बाद दोबारा खेलने का स्कोप नहीं होता, पर यहां पर है, अगर आप आउट भी हो गए तो आप सेकेंड टाइम फिर से खेल सकते हैं। इसलिए खोने के लिए कुछ नहीं, अपना 100% देके आइए, अपना बेस्ट करिए, जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो करने की कोशिश करिए, और रिजल्ट की चिंता छोड़ दीजिए। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई, रिजल्ट ओरिएंटेड एग्जाम जब भी हम करते हैं तो हम प्रेशर बिल्ड करके करते हैं। मैं बोलूंगा यहां पर, आप इस बात मेरी इस बात को मान के जाना कि आपको कुछ नहीं सोचना रिजल्ट को लेके भी, किसी बात को भी लेके भी, बस आप ये सोचना कि जो आपको आता है वो मैं करके आऊंगा, जो नहीं आता उसको बाद में देखेंगे। पेपर के क्वेश्चन जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा, और जितनी जल्दी हो सकेगा शेयर करूंगा। बस यही बोलना चाहूंगा, और एक और बात बोलना चाहूंगा कि पेपर के एक दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। जितना फ्री माइंड, जितना फ्रेश माइंड होगा उतना परफॉर्मेंस अच्छा होगा। बट जो 7th को फर्स्ट पेपर दे रहे हैं उनके लिए बात एप्लीकेबल है, 2nd के लिए भी, पर जो 8th को दे रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये थॉट आता ही है कि जो क्वेश्चन आया उसका पैटर्न को समझ लें, उसकी हेल्प भी मिलती है। तो वो आप लोग चाहें तो केवल जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए उनके ही सॉल्यूशन देख सकते हैं, वो केवल आपको आइडिया दे सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आए। बट जो आपने प्रिपरेशन पिछले साल भर में किए, पिछले 2 साल या 3 साल में किए, काम वही आती है, ध्यान रखिएगा। तो एक पॉजिटिव माइंड के साथ प्रिपरेशन करिए, एक अच्छा रेस्ट करिए, अच्छी नींद लेके पेपर देने जरूर जाइए। पेपर अगर आपने 8 को देना है, अगर आपको 9 को देना है, तो भी कोई भी विचार दिमाग में रख के नहीं जाना है। आपको ही पता है कि हर पेपर के शिफ्ट के कट ऑफ को भी वो उसी अजेई उसी ढंग से देखता है, तो इसलिए कहीं पे कुछ थॉट, कहीं पे कुछ सोच लेके नहीं जानी। बस जो पढ़ा हुआ है पढ़ाई, आप ये सेशन सुनते ही बंद कर दीजिए। हो सकता है आपने बंद भी कर दी हो, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट 1-2 डेज में नहीं पढ़ने का एडवांटेज ये होता है कि हम पूरे टॉपिक्स को, पीसीएम को पूरे अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। पर लास्ट टाइम में पढ़ने से होता यह कि जो चीजें पढ़ी हैं वो तो दिमाग में रहती हैं, उसमें उसके क्वेश्चन मिलते हैं, मजा भी आता है, अच्छा रहा पढ़ लिया, पर बाकी टॉपिक को रिकॉल करने का टाइम बढ़ जाता है। ऐसे में मेरा ये सजेशन होता है कि लास्ट 1-2 डेज एब्सोल्युटली पढ़ाई को बंद कर देना चाहिए, घूमना चाहिए, खेलना चाहिए, मूवी देखें, जो भी करें, कुल मिला के अपने ब्रेन को जितना फ्री कर सकते हैं करिए, और वही चीज आपके काम आने वाली है। अगर आपका पेपर सेकंड शिफ्ट में है तो मैं बोलूंगा फर्स्ट शिफ्ट वाले टाइम पे बिल्कुल पढ़ाई मत करिए, किसी से किसी भी तरह का क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि होता यह कि फर्स्ट शिफ्ट वाला बच्चा जब तक आपको बताता है आपको आपको पेपर वाला टाइम आ जाता है, और ऐसे में आप मिसगाइड भी हो सकते हैं। तो अपने आप को आप 100% देने की कोशिश करिए, और पेपर जैसे ही आएगा आपके साथ मैं सॉल्यूशन ऑब्वियसली शेयर करूंगा,
और अच्छी बात यह है कि अब इम्पीटस गुरुकुल में क्लासरूम प्रोग्राम, पेनड्राइव प्रोग्राम के अलावा लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है, आगे जाके आपके जूनियर्स उससे जुड़ सकते हैं. एंड देन वंस अगेन ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट करके आइए. और बस यही, इसीलिए बेस्ट ऑफ लक का मतलब ही होता है कि आप अपना बेस्ट करिए, रिजल्ट क्या होगा वो आप देखेंगे. कि मैं बिल्कुल श्योर हूं कि बहुत अच्छा होगा. कोई माइंड सेट लेके मत जाइएगा, पेपर इजी टफ कैसा आएगा, जैसा आएगा सबके लिए एक जैसा आएगा. और आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो हर तरह के पेपर को आप हैंडल कर सकते हैं. वंस अगेन ऑल द बेस्ट.